इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. आपका खिला हुआ चेहरा ना ही सब कुछ बयां कर देता है. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो आज की रेमेडी होने वाली है बहुत ही ज्यादा इशन. चेहरे की चमक बिल्कुल खो गई है. महंगे महंगे प्रोडक्ट आपको यूज करने पड़ते हैं, महंगे से महंगा प्राइमर भी आप लगाते हो तब भी आप पूरा दिन फ्रेश नहीं रह पाते हो, और फाउंडेशन लगाते हो महंगे महंगे फिर भी आपका चेहरा खिला खिला नहीं रहता है. थोड़े टाइम बाद वो डल पड़ ही जाता है. और जब रात को आप अपना फेस वॉश करते हो ना इतना केमिकल लगा कर, उसके बाद जब रात को आप अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपना फेस साफ करते हो ना, तो आप अपना चेहरा एक बार देखना आईने में कि हमारा जो केमिकल से चेहरा खराब हो रहा है ना, उसे तो आप बचा ही लो, वरना तो रियली में बहुत ज्यादा मतलब आप एक छोटी सी चीज से अपने चेहरे को कैसे चमका सकते हो. अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आपके लिए बिल्कुल वरदान है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो. तो रियली में इतनी अमेजिंग, आपका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, स्किन खिली खिली नहीं है, डल स्किन है, बहुत ज्यादा मतलब रुकी रुकी सी स्किन है आपकी बहुत ही ज्यादा. तो इन सब चीजों का इलाज सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी, इतनी सी रेमेडी जो मतलब हम डेली वेयर में यूज भी करते हैं बट कभी अपने फेस पर यूज नहीं करते. पता सबको है बट यूज करने का ही तरीका नहीं पता हमें, कैसे हमें इसे यूज करना है. डर लगता है ऑयली स्किन वालों को, ये डर लगता है कि इससे हमें नुकसान ना हो, लेकिन जो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से अगर आप ड्राई स्किन है तब भी, ऑयली स्किन है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी स्किन खिलकर आएगी बहुत ही ज्यादा. हफ्ते में 2 बार कीजिए या 1 बार कीजिए, आप एक बारी में इसका रिजल्ट आप देखोगे. तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट. और जो जो हमें चाहिए वो है दूध की मलाई और थोड़ा सा नींबू, बस. तो करते हैं अपनी वीडियो. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें. तो चलते हैं अपनी वीडियो. अपनी स्किन को हेल्दी और शाइनिंग बनाने के लिए हम अपनी करते हैं रेमेडी स्टार्ट. तो सबसे पहले हमें चाहिए दूध की मलाई. ये देखिए, ये फ्रेश दूध है, उसकी मलाई है. तो हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधी चम्मच दूध की मलाई चाहिए, बस. ये हमारी रेमेडी तैयार है. तो मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया है और इसको अच्छे से पहले पीसीस करके काट रही हूँ, क्योंकि हमें इसे अपने फेस पे लगाना है, हमें इसे स्मूथ करना है. और ये है नींबू का जूस. तो इसमें हमें 4 से या 5 बूंद नींबू के जूस की चाहिए, बस. और ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना. ये देखिए चम्मच में मैंने निकाल लिया है, तो 4 से 5 बूंद. जब आप इसको अपने फेस पर लगाओगे तो आपको रिजल्ट अपने हाथों पर ही दिखाई देगा. पेस्ट बनाना है, मलाई है, थोड़ी देर आप इसको मैश करोगे तो इसका अपने फेस पर लगा जाएगा नींबू. और लगाते रहना अपने गालों पर, अपने गर्दन पर, कान के पास, जहां भी आप बहुत ही ज़्यादा लगाना है. तो मैंने अपना फेस अच्छे से लगा धो लिया है, उसके बाद सुखा. तो पहले आप इसको अपने फेस पर अच्छे से लगाकर बहुत ही हल्के हाथों से आपको लगाना है. मैंने हाथों पर भी अच्छे से लगा लिया है और अब करने वाली हूँ मैं इसकी मसाज अपने फेस की. तो माथे से स्टार्ट करनी है, तो धीरे धीरे अपने माथे की मसाज करते हो आपको पूरे फेस पर भी करनी है, जिससे आपके डस्ट भी निकल जाएगा, आपकी स्किन हेल्दी होगी बहुत ही ज्यादा. हमें भी जैसे बॉडी को पोषण की जरूरत होती है ना, इसी तरह स्किन को भी पोषण की जरूरत होती है. बस हमें केमिकल से बचाना है और होम रेमेडी यूज करनी है. तो ये देखिए अच्छे से लग चुका है, मेरी कटोरी भी खाली हो चुकी है. मतलब एक चम्मच मैंने मलाई ली थी और वो पूरे फेस पर काम आ गई है. तो 10 मिनट बाद ये देखिए फेस अच्छे से सूख गया है, ये देखिए. और ये धीरे धीरे अपना सूख गया, पता भी नहीं चला कि कुछ लगाया, और फेस इतना स्मूथ हो गया बहुत ही ज़्यादा. तो गीले कपड़े से मैं इसको साफ कर रही हूँ. आप नॉर्मल पानी से इसको धो सकते हैं, आपकी ऑयली स्किन है तो आप नॉर्मल थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं. आप इसे ठंडे पानी से ही धो सकते हैं, नॉर्मल जो नल में आता है. तो आप देखिए ये साफ करने के बाद में देखिए मेरा फेस, आप रियली में यकीन नहीं करोगे ना, ग्लासी स्किन कहते हैं ना, वो होने वाली है. तो देखिए कितना अच्छा चमक गया है बिल्कुल चेहरा, पूरी डस्ट भी फेस से निकल गई है. तो देखिए गाइस, सो फाइनली गाइज आपने देखी वीडियो, मेरी रेमेडी देखी आपने कितनी इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है. इसको आप चलते फिरते कर सकते हो, ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल वरदान है. और ऑयली स्किन वालों को डर है ना कि हमारी स्किन और ऑयली होगी मलाई लगाने से, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इसमें नींबू मिलाया है ना, उससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगी. बहुत ही ज्यादा जो ऑयल निकलता है ना आपकी फेस में और डस्ट चिपक जाता है और पिंपल हो जाते हैं, इन सबको ये आराम से
सब प्रॉब्लम को ये रेमेडी आपको बताएगी। बस ऑयली स्किन वालों को थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस रेमेडी को रात को यूज कर रहे हो तो आप फेस वॉश कर सकते हो, 10 मिनट आपको रखना है और उसके बाद आप अपने चेहरे को देखिए, मतलब बिलीव नहीं करोगे बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट है। आप मेरे फेस पर देखिए, बाकी तो आप इसको ट्राई करोगे तब। तो गाइस करते हैं अपनी वीडियो का एंड, बाय बाय।